साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पर आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाएं। आने वाला एक महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वतंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ न हो। हम कोई भी फैसला ले, कोई भी निर्णय ले, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है।